12:30 से 15 भी हो सकता है, कलम ही तो चलानी है। तो संजय जी ये डर मतलब जो लोग बात कर रहे थे मार्केट में, ऐसे कोई अर्निंग किसी की 1% मिस हो जाए उसका मार्जिन, ऐसा हाहाकार बाजार में तो अरे मार्जिन मिस हो गया इन्फोसिस की, गाइडेंस कम कर दिया इन्होंने, स्टॉक तोड़ देते, या 2.5% आपका बढ़ गया कोई फर्क नहीं, ये क्या है संजय जी? तो इसमें ऐसा है कि देखिए ये जो सेक्टोरल लेवल पर अगर आप देखें कि बाजार में आज क्या हो रहा है, तो जिन सेक्टर्स में अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन हाई है वहां पर हल्की भी अर्निंग्स डिसअपॉइंटमेंट हो रही है तो बाजार उन सेक्टर्स को और उन स्टॉक्स को पनिश कर दे रहा है, और जहां पर अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन कम है वहां पर थोड़ा भी अगर अर्निंग्स अच्छा हो जा रहा है तो बाजार उनको रिवॉर्ड कर रहा है। तो एक तो ये चीज है जो बाजार में हो रही है, दूसरी जो साथ ही साथ डेवलपमेंट हो रही है जो शायद इस सेक्टोरल परफॉर्मेंस को एक्सप्लेन करे। देखिए बजट के एंटीसिपेशन में 4 सेक्टर्स डिफेंस, रेलवेज, पावर, हाँ एंड टू सम एक्सटेंट द अदर रिलेटेड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो हैं, ये सारे सेक्टर चल पड़े थे। बजट में इन सेक्टर्स के लिए कोई भी सिग्निफिकेंट एक्स्ट्रा एलोकेशन नहीं हुआ, तो नाउ लोगों इस लेवल पे लोगों को लग रहा है कि भाई जो लेवल थे वो पूरी तरह से डिस्काउंटेड हैं, तो अब हमको अपना पैसा किसी और सेक्टर में ले जाने की जरूरत है। तो वो पैसा जो जिसको कि मैंने कहा दूसरा डायमेंशन ऑफ द मार्केट लिक्विडिटी, वो अब दूसरे सेक्टर्स को चेज कर रहा है, जैसे IT हुआ, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हुआ। तो इन सब सेक्टर्स में जहां अंडर ओनरशिप है और लिक्विडिटी चेज कर रही है वहां पर आप सेक्टोरल गेन जो है वो आप देख रहे हैं। तो ये जो है इशू है जो मैं कोशिश कर रहा था एक्सप्लेन करने की, कि कभी भी आप एक डायमेंशन में बाजार को नहीं देख पाइएगा, सिर्फ इवेंट के बेसिस पर या सिर्फ वैल्यूएशन के बेसिस पर आप नहीं देख पाइएगा, उसमें एक लिक्विडिटी का डायमेंशन भी है जो कि इंपॉर्टेंट है। आपको तीनों डायमेंशन से मार्केट को, सेक्टर्स को और स्टॉक्स को देखना चाहिए, रिलेटिव बेसिस पे देख के चलिए ना। अभी कोई चीज महंगी लग रही कल हो सकता है वो सस्ती लग, क्योंकि काला तभी पता चलता है जब सफेद बगल में हो, अदरवाइज कैसे पता चलेगा। प्रकाश जी मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? देखिए अभी संजय जी ने बड़ा अच्छा बताया कि 2-3 इवेंट सामने आने वाले हैं, फेड पता नहीं जुलाई में कुछ लोग कह रहे हैं हो सकता है पॉजिटिव सरप्राइज आ जाए, लेकिन ज़्यादातर लोग कह रहे हैं सेप्टेम्बर में शायद हो सकता है, और 1 दिसंबर में भी 2 रेट कट की बात हो रही है। इलेक्शन का भी आउटकम पता नहीं क्या होगा, कमला हैरिस जीतेंगी या ट्रंप जीतेंगी, यू नेवर नो वो क्या होगा उससे पता नहीं। हमारे लिए, हमारे जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी है क्या, या कोई उनको ध्यान रखने वाली चीज़ लगती है आपको जिसको उनको सोचना चाहिए? क्योंकि अभी लिक्विडिटी एकदम पर रैली चल रही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं, डेटा भी सजेस्ट कर रहा है, और ये जो FII हमारे 20-21,000 करोड़ की SIPR, इस पर कुछ असर पड़ेगा या टैक्स वैक्स बढ़ने का? जो मैंने पहले बात की और जो संजय जी ने बहुत अच्छी तरह समझाया कि हो ये रहा है कि मार्केट में जो डर निकल चुका है ये, और ये 2 बड़े जो इवेंट्स आए हमारे सामने जहां पे मार्केट का रिएक्शन नेगेटिव भी था और बहुत ही जल्दी पलट गया, उससे वो भेड़िया आया वाली बात होनी शुरू हो गई। जिसको भी बात करो कि मार्केट ओवर वैल्यूड है वो आपको वो सोचता है कि आपको समझ ज्यादा नहीं है और उसको ज्यादा समझ, तो ये जो डर निकलने के बाद जो फीलिंग आती है ना, तो मतलब आदमी बेफाक होके इन्वेस्ट करने रेडी है, उसको 110 का PE मल्टीपल क्या होता है ये नहीं समझ आता। मैं ये समझाने की कोशिश बार बार लोगों को कर रहा हूँ कि 110 PE मल्टीपल का मतलब ये होता है कि ये बिजनेस जो अर्न कर रहा है, जो अर्निंग्स ला रहा है, उसको उस अर्निंग्स के बेसिस पे इसको 110 साल लगेंगे रिकवर होने, अगर अर्निंग्स यही रेट पे रही तो। अगर ग्रो होती है तो हो सकता है वो 110 का जो PEG बोलते हैं हम, वो थोड़ा बहुत घट के 70-80 पे आ जाता है। अब अगर कोई बिजनेस को 100 साल लगने हैं इस वैल्यू को रिकवर करने के लिए सिर्फ उसके अर्निंग्स के बलबूते, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन होना चाहिए। इंस्टीट्यूशंस तो ये समझ सकते हैं, अपने उसमें फैक्टर इन कर सकते हैं, लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर है उसकी उसके उसके जहन में एक चीज आ गई है कि ये जो पैसा मैं लगा रहा हूं अगर मार्केट पलट भी जाती है तो मैं अपना पैसा लेके निकल जाऊंगा। जब नीचे गिरनी शुरू होगी मार्केट, अच्छा मुझे पता नहीं ट्रिगर कौन सा है, ट्रिगर US से आता है, ट्रिगर हमारे यहाँ से कोई आता है, कोई और चीज अननोन चीज आती है, अगर वो ट्रिगर नेगेटिव आता है भाई एग्जिट का मौका भी कई जगह तो नहीं मिलेगा आपको।
तो ये जो चीजें हैं उससे मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो बिल्कुल नहीं है। तो मैं यही पहले जो कह रहा था कि फोमो इतना इतना भारी पड़ रहा है कि आज हम लोग ने लोगों से बात करना ही बंद कर दिया मार्केट के बारे में। लोग हमको समझा रहे होते हैं कि आपको क्या लेना चाहिए, और ये हो गया है इस उसमें कि मैं तो पहले से वैल्यू इन्वेस्टर रहा हूं, मैं तो माइक्रो कैप्स में भी हाथ डाल के अपना काम करके वो कमाया हूं। तो मुझे एक चीज समझ आ रही है कि जो कंपनी 15% 20% पे ग्रो होगी तो उसका रिटर्न आपको उसके साथ आप इन्फ्लेशन को जोड़ दीजिए तो आपको 21% 22% का रिटर्न आएगा। तो इससे ज्यादा रिटर्न की उम्मीद करना आपके मॉडल में ही गलती है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ अब होता ये है, मैं आपको बता दूं प्रॉब्लम कहाँ आती है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि अगर आप किसी को बोलो कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, इसमें ना लगाइए, तो वो आपको बोले बिना लगा देगा, या वो ये सोचता है कि अगर मैं नहीं अब नहीं लगाऊंगा तो पहले भी नहीं लगाया, अब मैं क्यों ना लगाऊं, क्योंकि विकल्प बहुत कम हो गए। आप समझ रहे हो? जो जब तक कोई ऑल्टरनेटिव नहीं आते। और बीच में सेबी चेयरपर्सन ने ना एक बहुत बहुत अच्छी चीज शुरू की थी, उन्होंने रीट्स और इनमिक्स के बारे में बात करनी शुरू की है। तो आई थिंक जैसे ही हमारी मार्केट को आप कोई विकल्प देंगे इन्वेस्टर्स को कि भाई ये चीज भी है जिसमें आप लगा सकते हैं, थोड़ा डिफाइंड रिटर्न लीजिए, 12% मिल जाएगा आपको, यील्ड बेसिस पे आ जाएगा, तो बहुत सारा पैसा उसमें जाने की क्षमता रखता है। सो आई थिंक इट्स अ क्वेश्चन ऑफ जिसको कहते हैं ना वो टीना फैक्टर बहुत ज्यादा आ रहा है आज, देर इज नो अल्टरनेटिव वाला वो है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो बिल्कुल नहीं है, और खास करके जो ये जो 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 पॉपुलर क्या बोलते हैं, जैसे आप अब भेल को देख लीजिए या कोई डिफेंस कंपनी को, टोटल डिफेंस की ऑर्डर बुक जो है वो करीब 21 लाख करोड़ की है, और सॉरी 2,10,000 करोड़ की है, और उसका मार्केट कैप 20 लाख करोड़। तो आप मतलब ऑर्डर बुक के ऊपर खेल रहे हैं। पहले हम प्राइस टू बुक पे थे, प्राइस टू अर्निंग्स पे आए, प्राइस टू सेल्स पे आए, अब हम प्राइस टू ऑर्डर बुक पे आ गए। तो ये जो मेट्रिक चेंज हो रहा है इसका जस्टिफिकेशन जस्टिफिकेशन क्या वो है, और कुछ है नहीं। तो आई प्रकाश सर, थिंक मार्केट मार्केट को मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में आप बहुत अच्छी चीज बोल रहे हैं, लेकिन कैसे समझाएं इसका आप जरिया ढूंढिए, उसके लिए कोई अलग प्रोग्राम बनाइए जो करिए, बट मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो बिल्कुल समझाना पड़ेगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में समझाऊं कैसे? लोग कह रहे हैं कि हम टाइम पे खेलेंगे, टोटल एड्रेसेबल मार्केट। अगर मैं ओला उबर चला रहा हूं तो पूरी दुनिया की सड़कें मेरे लिए मार्केट हैं, तो ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। अभी पैरामीटर तो जो पड़ गया था एमबीए में, भूल जाओ आप, अभी तो चल रहा है। सुनम, क्या ये भी एक अभी जो चर्चा से बात निकली, आप दोनों लोग कह रहे हो, संजय जी प्रकाश जी, कि ऑप्शन नहीं है कोई, बैंक में जमा करो तो कुछ नहीं मिलता है ना, नेट ऑफ टैक्स 4% ही शायद बनेगा आपका, सोने में लगाओगे तो भी बहुत नहीं बन रहा है, प्रॉपर्टी में तो और नहीं बनेगा, तो कैपिटल गेंस भी लगा दिया ठीक ठाक तरीके से, तो कोई चॉइस नहीं लोगों के पास। तो मार्केट में चलो उधर ही चल रहा है, सट्टा पैसा बन रहा है खूब, लोगों का खूब जबरदस्त तेजी हो रही है, तो लोग चेज कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है इसके पीछे एक फंडामेंटल बैकिंग भी है, आप इसको बताइए है कि नहीं है। क्योंकि जब हम डीमैट अकाउंट का एनालिसिस करते हैं, कितने फोलियो बने, कितने लोग अकाउंट खोले हैं, तो उन स्थानों पे जहाँ पे पहले इक्विटी कल्चर नहीं था, मैं खासतौर पर नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ, यूपी में, बिहार में, एमपी में, वेस्ट बंगाल में, राजस्थान में, ज़बरदस्त तरीके से अकाउंट खुले हैं और सब पैसे डाल रहे हैं उसमें, 10,000 डालें, 5,000 डालें, लेकिन आ रहा वहाँ से पैसा, और वो पैसा डाल रहे हैं जिनको कोई चिंता नहीं कि दो लोअर सर्किट लगेंगे तो मैं परेशान हो जाऊँगा, अरे ठीक है यार 2 साल और होल्ड करेंगे। ये क्या एक साइकी चेंज है जो इस मार्केट को सपोर्ट कर रही है? बिल्कुल, ये सपोर्ट तो कर ही रहा है, और मुझे लगता है इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि इंडिया नहीं, गलत का नहीं है। इंडिया में मार्केट का पेनिट्रेशन बहुत कम है, बाकी के मार्केट के हिसाब से अगर आप देखें, इंडिया का मार्केट बहुत ही छोटा है कंपेयर टू अगर आप यूरोप का मार्केट देखें, यूएस का मार्केट देखें, और इंडिया की जो इकोनॉमी का साइज़ है उस हिसाब से और भी ग्रोथ होनी चाहिए। और अगर नए लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि भाई मुझे एफडी से ज़्यादा पैसा यहाँ पे बन रहा है, या फिर मैं खर्च कर दूं उससे ज़्यादा मैं मार्केट में बना लूँगा, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। और देखिए, गलत बात उसमें है जहाँ पे, जैसे हमने बात की, कुछ ऐसे स्टॉक हैं जहाँ पे अंधाधुंध सिर्फ बाइंग ही चल रही है और प्राइस भागते जा रहे हैं, वैल्यूएशन की कोई कंसर्न ही नहीं है। लेकिन नहीं, इसमें जानते हैं सोनम क्या प्रॉब्लम है, मैं मतलब प्लीज़ कोई जजमेंटल ना, हम लोग यहाँ डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं, ऐसा कोई एग्जाम्पल अभी नहीं दिखेगा कि अंधाधुंध भागा था अब वो एकदम लोअर सर्किट लगा लगा के एकदम नीचे आ गया, कोई एग्जांपल ही नहीं मिलेगा आपको। मैं नाम ले रहा हूँ, IFCI भी चल चुका है, 80-90 रुपये हो गया है, हुआ है, कोई रिकमेंडेशन नहीं भाई साहब, ये सिर्फ एग्जांपल है। तो ऐसा नहीं वो गिर के फिर 5 रुपये हो गया, तो लोगों के सामने एक उदाहरण दिखाने के लिए, देखा तुमसे हमने मना किया था, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो लोगों के अंदर लग रहा है कि भाई मार्केट चल रहा है। तो मैं
एक्चुअली मैं जानने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि क्या इसके पीछे कोई और ऐसा रीज़न है जो हमको नहीं दिख रहा हो, या एकदम से लग रहा कि यार ये एक पॉइंट मिसिंग है जिसपे डिग करना चाहिए कि ज़्यादा लोग आ गए हैं, ज़्यादा पैसे हैं, आइडल मनी है उनके पास, तो लगा लगाओ ये वाला। आई थिंक मतलब कोविड के बाद से मार्केट में बहुत लिक्विडिटी आई है, एक बहुत ही बड़े स्ट्रेस में इकॉनमी गई है, और उसके बाद उसको सपोर्ट करने के लिए जितना पैसा आया है आई थिंक वो मार्केट में फ्लोट अराउंड कर रहा है। जितना भी इन्फ्लेशन कंट्रोल किया, जितना भी रेट कट किए, उससे वो लिक्विडिटी कम हो नहीं पाई है। और मुझे लगता है कि लोगों मार्केट चेंज भी हो चुका है। 2008 का जो मार्केट था, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ रिपीट हो सकता है आज के ज़माने में, क्योंकि जो चेक्स एंड बैलेंसेज हैं बैंकिंग सिस्टम में इतने ज़्यादा लग चुके हैं कि इतना ज़्यादा रिस्क नहीं रहता कि एक चीज़ गिरी तो उसके साथ सब कुछ गिर जाएगा। तो थोड़ी रिलायंस भी बढ़ गई है, लोग मार्केट पे भरोसा कर रहे हैं कि भाई यहाँ से अब ग्रोथ भी हो सकती है। और जैसे अभी भी आज के मार्केट में भी सिर्फ एक ही जगह पे अगर वैल्यूएशन बढ़ चुकी है तो बाकी जगह पे आपको अच्छी वैल्यूएशन भी मिलेगी, राइट? तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव ही, हम तो उसको पॉजिटिव ही देख रहे हैं। और ओके अभिषेक, ये वाला क्वेश्चन मेरा आपसे भी है, क्या ऐसा भी हुआ है क्या मार्केट में, आपके जो इन्वेस्टर आपको फ़ोन भी करते होंगे, आप तो जो कि बहुत ज़्यादा एंजल इन्वेस्टर भी हैं, अलग अलग तरीके के टूल्स पैसे लगाते हैं, कि एक बहुत बड़ा मार्केट था जो अनटैप्ड था, बट टेक्नोलॉजी ने उसको एक प्लेटफॉर्म मिला दिया है, तो सबको बहुत बड़ा एक चंक दिख रहा है और वो सिंक्रोनाइज